नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि आपको वाईफाई जो कनेक्टिविटी है, आप यहाँ पे देखिए जो वाईफाई का जो सिग्नल जहाँ पे शो करता है वहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, यानी यहाँ पे जो है कि वाईफाई कनेक्टिविटी भी नहीं दिख रहा और उसका नेटवर्क भी शो नहीं कर रहा। फ्रेंड्स, अगर इस टाइप का आपके प्रॉब्लम होता है आपका लैपटॉप या कंप्यूटर या जो भी हो, तो उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है आज इसके बारे में वीडियो पर दिखाने वाले। तो फ्रेंड्स, पहले जो है कि आपको यूएसबी नेटवर्क कनेक्ट करना होगा, यानी यूएसबी इंटरनेट कोई भी हो, चाहे डोंगल हो या अपना मोबाइल हॉटस्पॉट या जैसे करके भी आपको कनेक्ट करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, यहाँ राइट क्लिक करके दिस पीसी में डिवाइस मैनेजर पर आए। डिवाइस मैनेजर पर आने के बाद फ्रेंड्स जो है कि यहाँ चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देखिए नेटवर्क कंट्रोलर जो है कि डिवाइस का ड्राइवर यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है आखिर क्यों है और किस लिए है, इसको आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए, नेटवर्क कंट्रोलर जो है वो ओपन दिख रहा था, मतलब वहाँ पे येलो कलर दिख रहा था। तो फर्स्ट आपको क्या करना होगा, गूगल क्रोम ओपन करिए। उससे पहले आपको थोड़ा देख लेना होगा जो मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाई आपको, बैक साइड में अपना लैपटॉप या जो भी मॉडल होगा उस मॉडल को चेक कर लेना होगा और यहाँ गूगल पे आपको सर्च करना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है कि गूगल पे जो है कि टाइप कर रहा हूँ अपना लैपटॉप का जो सीरियल, मतलब जो मॉडल है वो मॉडल को यहाँ पे सर्च कर रहा है। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स देखिए, मेरा ये डेल का जैसे लैपटॉप था तो डेल वस्त्र 2520 यहाँ पे आ चुका है। तो फाइंड ड्राइवर फॉर योर वस्त्र 2520, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, तो मुझे यहाँ पे वाईफाई का ड्राइवर चाहिए। फ्रेंड्स, तो वाईफाई का ड्राइवर यहाँ पे लिख के जो है कि सर्च कर दिए। विंडोज 7 है तो विंडोज 7, विंडोज 10 है तो विंडोज 10 के लिए। उसके बाद देखिए लिस्ट, इसको फिल्टर करने के बाद फ्रेंड्स चार गो दिख रहा है, तो इसमें से जो लेटेस्ट होगा फ्रेंड्स, यानी जो अप टू डेट वाला है वही वाला को आपको डाउनलोड करना होगा। फ्रेंड्स, डाउनलोड करने के बाद जो है कि उसको डबल क्लिक करके फ्रेंड्स ओपन करना होगा। ओपन होने से देखिए ये जो है कि सेटअप स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो है कि डेल का है सिस्टम और इसमें ब्लूटूथ प्लस वाईफाई दोनों एक साथ रहता है इस ड्राइवर में। तो इसको जो है कि मैंने डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर दिया और आप लोग देख सकते हैं जो है इंस्टॉल हो गया है। और ये डेल वायरलेस 1704802.11 जो है कि यहाँ ड्राइवर वाईफाई का ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। चलिए एक बार देखते हैं नेटवर्क प्लेस पे की शो कर रहा कि नहीं। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, आप लोग करेंटली नेटवर्क जो है कि वाईफाई नेटवर्क यहाँ पे शो करने लगा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी इस टाइप का प्रॉब्लम होता है या फॉर्मेट के बाद अगर दिक्कत होता है, वाईफाई नहीं चलता है, तो आप इस टाइप का करके एक बार देख सकते हैं। तो बहुत इजीली आप लोग इस वाईफाई प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कि वाईफाई का कनेक्शन का ये आ गया है, यहाँ पे चाहे तो अपना वाईफाई को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा जियो फाई कनेक्ट है, उसका वाईफाई शो कर रहा था तो उसको मैंने कनेक्ट किया। तो पासवर्ड मांग रहा, पासवर्ड डाल देने से के बाद वो कनेक्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा वीडियो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।